अभी हम ही सब कुछ तहरा खातिर कहनी, हम तहरा खातिर रेडी भइल बानी और तू कहीं और रोमांस करके आयल पड़ा। कितना बड़ बेवकूफ बानी ना हम कि तहार बात में आ गई नी। तू जिसन सोचा तारू इसन कुछ नहीं के। अच्छा तब फिर तू हमके जान का है कला फोन पे उ प्रज्ञा के सुनावे खातिर, ओकरा के ही सुनावे खातिर जान का ले रहा ना तू हमके। हाँ ई सब ओकरा सुनावे खातिर ही कह ले रहा। हम ओकरा बतावे चाहत रहनी कि हमनी के बीच में जान और बेबी जैसन रिश्ता बा, लेकिन हमनी दोनों अच्छा तरह से जाने ली कि हमनी के बीच में कैसा रिश्ता बा। अभी हम सच में चाहे नहीं हमनी के रिलेशन बदल जाए, हम सच में चाहे नहीं कि तू हमके जान कह के बुलावा। अभी हम तो उसे बहुत प्यार करेनी और बदला में सिर्फ तहार प्यार चाहे नहीं। भूल जाके हमनी के शादी कैसे भइल रहे, खाली ये याद रखा कि हम तहार बीवी बानी। अभी हम तोहके अपन सब कुछ मान ले ले बानी, जौन दिन तू हमके अपन बीवी मानबा सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पे मीडिया वाले नहीं खे जेकरा सामने तू अपन रोमांटिक मैरिज लाइफ के बारे में बतावता तू। क्यों नहीं खे यहाँ पे खातिर अपन ड्रामा बंद करा और दूर रहा हमरा से। अभी हम कोनो ड्रामा नहीं खे करत। आई लव यू, आई रियली लव यू। रिलैक्स, जोन चीज तू लोग के सामने करे लू ओकरा अकेले में करे के जरूरत नहीं खे। आई सेड स्टे अवे फ्रॉम मी। तकाऊ प्रज्ञा तो के हमरा खिलाफ भड़के ले बिया। उकरा बारे में कुछ मत कहिया। काहे? काहे ना कहीं। हमने के बीच में ऐसन कोनो डील ना भेल रहे जहाँ पे तू ये लिखवे ले रहला कि हम ऐसन कोनो बात ना कर सकनी जे तू सुनल ना चाहत बड़ा, और इस सच के तू इग्नोर ना कर सकेला। अभी ये तू भी जानेल कि प्रज्ञा कैसन औरत बिया। वो जैसन भी बड़ी ना, तहरा जैसन नहीं की। के वो और से शादी करके वो हमरा के धोखा ना देली जैसे तू हमके देले रह। भुला गेलू तो याद दिलाई निखिल के साथ तहार रिश्ता, जहां पे तू निखिल के नाजायज बच्चा के हमरा गले डाले चाहत रहलू, और तहार यह झूठ के सच समझ के प्रज्ञा हमरा से दूर गई। एक खातिर होकर कैरेक्टर के बारे में तू कुछ मत बोलिया। और हाँ हमके पता बो तो रही सब सुने अच्छा ना लगेला, लेकिन अगला बार अगर तू प्रज्ञा के बारे में कुछ भी कहलू ना तो तहरा दोबारा यह सब सुने के मिली। अभी अचानक निखिल के कैसे याद कैलस? कहीं एकरा पता तो ना चल गए कि हम उकरा से मिल के आयल बानी? ना शायद नहीं खे पता, और आगे भी पता ना चले उकरा खातिर हमके केयरफुल रहे के होगी। किंग आई चाची, कम इन। हम प्रज्ञा के रिंग छुपावत काहे बानी? ई का करता नहीं हम किंग? या चाची सॉरी, हमके तो से जरूरी बात करे के बा। ओके, लेकिन आप इतना परेशान काहे लग रहल बानी? परेशान यही से बानी कि हमके कुछ ठीक से नहीं खे लग रहल। का ठीक नहीं खे लगत? हमके प्रज्ञा के बारे में बात करे के रहे तो के ना लगेला प्रज्ञा दोहरा साथ वैसे ना रहेली जैसे और औरतन अपन हस्बैंड के साथ रहेली। ऐसा तो तबे हो सकेला चाची कि जब हम और प्रज्ञा सच में हस्बैंड वाइफ बन जाएं,
ओके एगो वाइफ के सबे ड्यूटी बताबा, एगो माई के पूरा जिम्मेदारी उदा करेली, घर देखेली, तोहके संभालेली, सब कुछ ठीक बा, लेकिन एगो पत्नी के जे जिम्मेदारी अपन पति खातिर होखेला उ तो करेली ही ना काहे। चाची आप का कहता नहीं, हमरा कुछ समझ में नहीं खियावत। देखा बेटा, हमार कहे के मतलब ई बा कि प्रज्ञा तोहरा साथ तोहर कमरे में काहे ना रहेली, तोहरा साथ सुतली ना, वो दूसरा कमरा में रहेली, वहां सुतेली काहे। सिट। माय डियर चाची, हमरा आप लोगों से मिलर कुछ ही दिन भइला, तब वो आपसे प्यार करेनी, आपके बात मानेनी, आपके बहुत रिस्पेक्ट करेनी। जी दिल्ली में आपके और तरुण के अलावा मार कोनो फैमिली नहीं खे, लेकिन हम चाहता नहीं कि आप प्रज्ञा और हमार क्वेश्चन के लिए की कोनो सवाल ना कर, काहे कि क्वेश्चन हम आपके समझा ना पाए, हमार और प्रज्ञा के केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट बा। टेंशन वाला कोनो बात नहीं खे, ऑल इज वेल। और फैक्ट तो ई बा कि चाची प्रज्ञा जैसन लड़की पूरा दुनिया में ढूंढे पर भी ना मिली, इनफैक्ट प्रज्ञा जैसन लड़की पूरी दुनिया में हो ही नहीं खे सकत। और अगर प्रज्ञा हमारे दुनिया में ना हो ना चाची, तो आज हमार दुनिया काफी अलग होत, हम अभी यहाँ ए वक्त आप लोग के साथ ना होती। कितना भरोसा बा किंग के प्रज्ञा पर, तो अबे के बताए कि ना जे हम देखनी। चाची कहां आज तक आपसे कुछ मंगनी हा, लेकिन आज मांगब, एक्चुअली रिक्वेस्ट करब, सिर्फ प्रज्ञा जो भी कुछ करे लेना, आप उसे क्वेश्चन ना करी, आप बस ओकरा सपोर्ट करी। तो कैसन बात कर रहल बड़ा किंग, हम प्रज्ञा के सपोर्ट करी, वो बातन में जे हमके पसंद नहीं है, मतलब बेटा हर रिश्ता के गो मर्यादा होखेला, केहू के इतना छूट ना देवे के चाहिए। चाची माई स्वीट स्वीट चाची, आपके प्रज्ञा के कहानी नहीं खे पता, हम आपके जब सारा कहानी समझाई तब आपके पता लगी, फिर आप खुद आके हमके कहबो कि बेटा जोन भी प्रज्ञा करहल बिया ओके करे दा, नो क्वेश्चन। हमार स्वीट स्वीट राजा बेटा, जरा बताई हमके प्रज्ञा के बारे में जे हम ना जाने नी। यस हमार डबल ट्रिपल स्वीट चाची हम जरूर बताएं, लेकिन अभी ना, सही समय आवे पर यू विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। किंग आप समझत नहीं कि तबले बहुत देर हो जाई, आज हम प्रज्ञा के भाई उ कल सुबह 11 बजे आपके मीटिंग है विद बीआई। ओ नाइस, वो बतैलस की मीटिंग के बारे में बा। सॉरी भाई वो कुछ ना बतैलस। हां फनी पीपल, हम खुद ही पूछ लेता नहीं। मम्मी कुछ बना दो, बहुत भूख लग रहा बा। का बा, हम किंग से कुछ जरूरी बात करत आनी। एक्चुअली चाची हमरा भी बहुत भूख लग रहा बा, कैन यू प्लीज हैव समथिंग टू ईट। ओके कहीं ऐसन तो ना जे हम देखनी वैसन कुछ हो ही ना, या हो सकेला प्रज्ञा किंग से हम सबसे कुछ छुपा रहल होखे जे हमके पता ना होखे। प्रज्ञा के बा वो पहनले रहली जब बैंक रॉबरी भइल रहे, पर ई यहां गेस्ट रूम में कैसे ओकरा दे देत बानी, देवल ही भूल गई, कोनो बात ना, नेक्स्ट टाइम मिलब तब दे देब।
हमके तो लड़की चाहिए, क्यूट से, प्यारा से, बिल्कुल तरह तरह ना। उनके ही ना पता चले के चाहिए कि हमार कौनो बेटी है। वो तनु के साथ है ना, और उनके उन्हीं के साथ खुश रहे के चाहिए। लेकिन हम ऐसा कह कर रहल बानी कि उनके पास जाके ही सब कुछ भूल जाए नी। वो तो हमारा कुछ ना लागे ले, हमके खुद के कंट्रोल करे के होगी। जे आज भेल वो फिर भेल तो कभी भी उनके पता चल जाए कि हमारी एक बेटी है ना। हम केहू के ना पता चला दे, केहू के भी ना। ये रूम के लाइट्स क्या ऑफ कर देलस? भूत? हम भूत को पढ़ ली? आप ना अंदर, भूत बा रूम में। कहाँ का भूत? ना जाएगी बा, ना जाएगी बा, ना नहीं कह जाएगी। मामा का डरावनी आपके सनी का बच्चा। रुको अभी मजा चखाओ बानी। यहाँ वाह, कहाँ भागत बड़ा? मामा के डरी बा? हाँ पापा बचाई। अरे जाए दा बच्चा बा। ये बच्चा ना अभी हमार जान ले लेत। मामा अब भूत से कैसे डरा गई नी? भूत से तो हर हर केहू डरेला बेटा। मामा झूठ बोल रहल बाड़ी। मामा पहले बोलत रही कि भूत वूत कुछ ना होकेला। बेटा मामा बहुत कुछ ऐसा बोले ले जो दुनिया में होके ना करेला। एक सेकंड, काहे बच्चा के सामने हमारी इज्जत के फलूदा कर रहल बड़ू यार। हाँ तो आप जो करत बानी बेटा, मम्मा ऐसा बहुत कुछ कह लीजिए। अच्छा सॉरी। हमारा आँख बंद कर ले रही बेटा। वो हम आपके मम्मा के डांटा तरनी। एंड यू आर राइट, आपके मम्मा डरपोक है। मम्मी इज डरपोक। डरपोक केकरा कहत बानी आप? तो के अच्छा अभी तो बड़ा सॉरी कहत रहनी। अब देख ले, कुछ मांग ले, हम कुछ न देवे वाला बानी आपके। हम डरपोक बनी? हम डरपोक बनी बेटा, हमके तो भूत से बहुत डर लगेला। इनफैक्ट हमके आपके मम्मा से भी डर लगेला। के डराइला के ना, कल पता चल जाए। कल का बा? कल अपना आपके फ्री रखिया। कल स्कूल में ड्रामा कॉम्पिटिशन बा, ओ में हम बीस्ट बनब और क्यारा ब्यूटी। ब्यूटी एंड द बीस्ट? यस। कल तो पापा की हालत देखे लायक होगी। कल ऐसन डेराए, ऐसन डेराए। अच्छा बच्चू ठीक बा, कल आई हम, तू डरा के देख लिया। आए तब पड़ी ही, काहे की पेरेंट्स की आई कंपलसरी बा। आई विल कम माई सन। आजा। कल सबके पेरेंट्स आई हैं, मतलब प्रज्ञा दी भी आई हैं। अगर हम कोनो तरह जीजू के भी स्कूल ले चली ता तो क्यारा के प्रज्ञा दी के साथ देख सकेले। उनका हमेशा आपन और क्यारा के बीच में एगो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होखेला। तो उनका ज्यादा देर ना लगी पता लगावे में कि क्यारा उनकरे बेटी बिया। तू चाहे कितना भी इमोशनल हो जा, लेकिन क्यारा वाला बाप अभी की मत बताइया। तोरा सनी के कसम। पूरब जी अगर कसम ना देले होखत तो ई बात कले हम उनका बता देती, पर ई बात वो खुद फील करिए जब क्यारा के प्रज्ञा दी के साथ देखिए। हे भगवान, कल बहुत अच्छा मौका बा दी और जीजू के एक साथ करे के। क्यारा जीजू के बेटी बिया, ई पता चलत ही वो क्यारा के अपना से कबो अलग ना होके दी है। और फिर प्रज्ञा दी के भी उनके साथ रहे के होगी। फिर उनका शादी किंग से भइल बा और जीजू के शादी तनु से, एकरा से कोनो फर्क ना पड़ी। फर्क पड़ी तो वो दोनों के प्यार की निशानी से। बस अब कल क्यारे ही अपन मम्मी पापा के मिलेई। का भाई का सोचत रहू? हमरा लगल कि तू खुश होबू। हम इतना ज्यादा खुश बानी, क्यारा और सनी एक साथ परफॉर्म करे वाला बड़े, एकरा से अच्छा बात और का हो सकेला। अच्छा अब हम जात बानी कल के प्रिपरेशन करे के बाम के। ओके गो 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 गो। अच्छा से करिया। ओके मेक मामा वेरी प्राउड। तू तो ऐसे एक्साइटेड होत बाड़ू जैसे पार्टिसिपेट तू करे वाला बाड़ू। हाँ तो हम भी तो पार्टिसिपेट करब ना। बाकी गेम कौन सा खेलब वो आप कल देख लेब। ओके ओके ऑलराइट ठीक बा ना। अभी हम बाहर बनी, हम आके बात करब। ओके फाइन थैंक्स। एगो कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू सर? या वन सेकंड। थैंक यू। एक व्हाट विल वी सिंग? एगो रेड वेलवेट पेस्ट्री। सॉरी सर, रेड वेलवेट पेस्ट्रीज इज फिनिश्ड। जरा बटर स्कॉच ट्राई करी, यहाँ के स्पेशलिटी बा। नो नो थैंक्स। तो हमसे झूठ काहे बोलू सर? हम
हम तो कौनो झूठ ना बोलनी। तू हमरा से कहलू कि रेड वेलवेट पेस्ट्री खत्म हो गई, बताई का बा? ओह सर, दैट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। सोल्ड आउट मतलब? सर जब आप वो लड़की के साथ सेल्फी लेत रही तब केहूं ओकर ऑर्डर ऑलरेडी दे देले। सुना हम जाने ली की दिल्ली के सबसे बेस्ट पेस्ट्री शॉप बा, एक खातिर इतना एटीट्यूड, हम तोरा डबल पैसा दे, गिव मी द पेस्ट्री। ओके सर, आई एम नॉट द ओनर। ट्रिपल ट्रिपल पैसा दे। सॉरी सर। तोरा उतना के टिप दे, अब बोला। सॉरी सर, आई एम नॉट द ओनर, हम ऐसे ना कर सके नहीं। आप खुद ही उनसे बात कर ली ना, अगर वो कह दी है तो हम आपकी पेस्ट्री दे दे। ओके फाइन, अब तोरा कोनो टिप ना मिली। थैंक यू सो मच, हम बात करब कहां पर। I'll talk to her. हम बानी। तरा रेड वेलवेट पेस्ट्री पसंद बा? अब से कम। आप एगो काम करी, हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दी ही और आप इनका वो पेस्ट्री दे दी ही। ना ना, आप एक काम करी, आप वो पेस्ट्री इनका दे दी और हमारा भी ऑर्डर कैंसिल कर दी जो हम दे ले ना रनी। ना ना, आप इनका ही दे दी ही। I insist, आप इनके दे दी। ओके हम बोला था नीना, रेड वेलवेट पेस्ट्री के ऑर्डर है। अगर आप दोनों ही ऑर्डर कैंसिल करे तानी तो हम ही पेस्ट्री के हूँ और के दे दी ना। अब एक काम करा, वो रेड वेलवेट पेस्ट्री हमार कियारा के दे दा। आर यू श्योर? हाँ, वो पेस्ट्री पे सिर्फ हमने के हक बा, और के हक तीसरा ना खाई। ओके हमने शेयर करके खाया जाए। Alright. Thank you. Let's go. एगो बड़ा बिल्कुल बच्चा जैसन बा और एगो बच्चा बिल्कुल बड़ा जैसन, लेकिन दोनों ही बहुत क्यूट बाड़े। वैसे तो हम के अपन पेस्ट्री दे देलू। मम्मा कहली कि हम के मीठा बहुत पसंद बा, लेकिन जब हम आपके वो आंटी से लड़त देखनी ना तो हम के लागल कि आपके मीठा हमसे ज्यादा पसंद बा, यही से हम अपन पेस्ट्री आपके दे देनी। दैट इज सो स्वीट। पर ये पेस्ट्री से ज्यादा स्वीट था ना। देखो हमरा खातिर तो ये खातिर हम तरा साथे अपन पेस्ट्री शेयर करा तानी। माय फेवरेट पेस्ट्री, तरा पेस्ट्री बहुत पसंद बा। आई लव पेस्ट्रीज। व्हाट अ कोइंसिडेंस, पता बता के हमके भी बहुत पसंद बा, हमके भी पेस्ट्री बहुत पसंद बा। कॉफी? हां हाय फाय, हमके भी कॉफी बहुत पसंद बा। हमके भी, और हमके ना न्यू स्टाइलिश कपड़ा भी बहुत पसंद बा। और आपके? बचपन से म्यूजिक म्यूजिक पसंद बा तरह के। माय फादर इज अ सिंगर, म्यूजिक तो हमार खून में बा। हमनी दोनों में कितना सिमिलरिटीज बना, जैसे कोनो पापा और बेटी में होके। पर हमनी तो फादर एंड डॉटर बानी ही ना। का पता होके? का मतलब पिछला जन्म में हमके ना आपसे बात कर बहुत अच्छा लागेला, लेकिन कितना बात ना हमार ऊपर से चल जाएला, और ये पिछला जन्म वाला बात ना हमके समझ में आई। सच बताई तो हमके भी तरह से बात कईल बहुत अच्छा लगेला। पहले से तू हमके ये बतावा कि तू इतना दिन से हमके मिलू का है ना। आप कल हमके वो एक्सीडेंट के बारे में बताई लो ना, लेकिन आप बस अब वो चीज के बारे में आप क्यों से बात ना करी है। ओए का भइल? वो एगो लॉन्ग स्टोरी बा, शॉर्ट में ना बता पाए। वैसे आप इतना दिन से काहे ना मिलनी? हम एक्चुअली हमारे भी एगो बहुत लंबा कहानी बा और कॉम्प्लिकेटेड भी, तरह समझ में ना आई। तू किडी बाड़ू ना? और ये किडी जिद्दी भी बिया। एक्चुअली कहानी लंबा के साथ साथ बहुत सैड भी बा। अब सैड स्टोरी सुना के हम तहारी रेड वेलवेट पेस्ट्री के टेस्ट खराब ना करे चाहत बानी। फर्स्ट बाइट आप खाई? ना ना, फर्स्ट बाइट तहार। ना आपके।
अभी बड़ बाइट आप नहीं और उसे भी बड़ बाइट हम ले जी हाँ पेपर हम साइन करवा ले थैंक यू ये क्या रहा भी ना केक लावे में कितना टाइम लग जाला ओके हम ले क्या बतानी पता बो हमार दादी कहेली के एक दूसर के झूठा खाए से ना प्यार बढ़ेला और हम भी मान लेनी एक्चुअली हम यह चीज के ऊपर टेस्ट करनी और रिजल्ट जोन रहे ना पॉजिटिव जूठा खाए से ना वाकई प्यार बढ़ेला सच आपके दादी कहले बाड़ी तो हम सोचने हमु टेस्ट करके देख ली हम आप इतना प्यारा कहे बानी इतना क्यूट हमके लगल कि क्यूटनेस पे खाली हमार हक बा अब का बना के हमार लाइफ तरह से जुड़ गिल बना तो ओकरा खातिर तरह साथे साथे हम भी क्यूट बन गए नी कनेक्शन वो पिछला जन्म वाला ओके आप कल का कर रहल बानी कल काहे जे भी कर रहल बानी ना ऑफिस मीटिंग शॉपिंग वो कैंसिल कर दी काहे कि कल आपके हमारे स्कूल आए के बा कल हमार कंपटीशन बा स्कूल में उमे हम पार्टिसिपेट के ले बानी इंटर स्कूल कंपटीशन कल आई मीन हम आ सकेली कहे कि जनरली स्कूल में कहो खेला कि वहाँ पे मॉम डैड के बुलावल जाला हम कैसे आई बा वहाँ पे रिलेटिव भी आ सकेले रिलेटिव रिलेटिव घर जाके ना हम आपके पास के फोटो सेंड कर दे आप हमारे फेक डैड बन सके नी तो रिलेटिव बनर कौन सा मुश्किल काम बा एक्चुअली कल हमारे डैड बिजी बाड़े आई मीन आई नो कि वो बिजी हो ही जाई है ऐसे आपके एडवांस में बोल रहल बानी तो अब आप हमारे रिलेटिव बन के आए या फेक डैड पर आपके कल हमार मम्मा के साथ आवे के बा तहार मॉम डोंट वरी शो शुरू होके से पहले हम आपके आपन मम्मा से मिला दे ओके फिर आप दोनों हमरा खातिर चीयर करिए ओके आइब ना आइब काहे कि हमार मम्मा के बिना हमार सुपरमैन से मिले के बा एक बात हम पूछे चाहत बानी तू हमके कबो बताइलू कहे ना के तू हमके सुपरमैन कहे बुलावेलू सुपरमैन पूरा दुनिया के बचावेला आप हमार मम्मा के बचावले बानी आई मीन हमार दुनिया के बचावले बानी तो भईनी ना आप हमार सुपरमैन माय हीरो हे वैसे ही जोन बना तू हमरा घरे पे भुला गेल रहलू ला One second. Perfect. क्या रहा भी ना? प्रज्ञा, हम के पहचान लू? जी वो आप एनजीओ में काम करत रहनी नाम याद नहीं क्या बत अरे नाम में का रखल बा इंसान के पहचानता होकर काम से होखेला आज जे काम हमनी चालू कैले रही वो चालू बाना कैसे चल रहल बा लाइफ तहार अभी के साथ हाँ ओकर करियर तो एकदम टॉप पे चल रहल बा अभी दो दिन पहले ओकर वो सुपरहिट गाना सुन ले रही हम हाँ एक गाना रहे गाना में अभी जौन लड़के के बारे में बात करत रहे जेकर प्यार में ऊ पागल बा जेकरा वजह से वो इतना आगे बा ऊ तू ही बड़ा ना प्रज्ञा तोहरे जिक्र करत रहना अभी जी ना हम के नहीं कि पता ऊ केकर बात करत रहले तू ना तो हे भगवान फिर से कौनो नया सौतन के चक्कर तो ना शुरू हो गए
अभिषेक प्रेम मेहरा हमार पति बाड़े और हम उनकर पत्नी बानी। हम चलत बानी आपके इनवाइट फोन पे भेज देब। ओके वैसे तू यहाँ पे अकेला आइल बाड़ू, केहू तारा साथे आइल ना? हमार मॉम बाड़ी ना बाहर वेट कर रहल बाड़ी। अंदर अकेले भेज देली? बच्चा बानी, छोट बच्चा ना बानी। अरे तहार मम्मा के तहार ना बाकी लोग के फिक्र होके के चाहिए, मतलब उ लोग के तारा से के बचाई। वेरी फनी, पर लोगन के हम से केहू ना बचा सकेला। हम बचाइब, यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई एम सुपरमैन। अब पूछा कैसे बचाइब? कैसे? तारा से बात करके। देखे तू हमरा से बात करा तरू, बच गए लेना सब लोग। तो आप कल पक्का स्कूल आईब ना? आईब। प्रॉमिस करी? प्रॉमिस। पक्का वाला? पक्का वाला प्रॉमिस। ओकरा से भी बड़ा गॉड प्रॉमिस, जिकरा आप कबो तोड़ ही ना पाए। डैडी प्रॉमिस। हम जरूर आईब, तारा खाते चेयर भी करब। ओके थैंक यू। अगर आप डैड प्रॉमिस करत बानी तो हम डॉटर्स प्रॉमिस करत बानी कि हम आपके किस देब। आप अंदर से सैड बानी ना? ना तो? आप बानी, आप बाहर से खुश बानी, अंदर से सैड बानी। हमरा पास एगो आइडिया बा आपके खुश करे के। कैसे ना आइडिया? आप हमने के साथ काहे ना रहनी, हमने सब साथ मिलके खुश रह जाए। सच बताई तो हम भी तारा साथ ही रहे चाहत बानी, लेकिन हमने की जोन सोसाइटी बाना ऐसे करे ना दे। एक्चुअली मॉम डैड जोन होके ले वो अपन बच्चा के केहू और के साथ शेयर ना करे ले। हमार मॉम तो ई लिस्ट में टॉपर बाड़ी टॉपर, उनकर बस चले तो हमके डैडी से भी ना शेयर करी है। आप भी मत करब। ओके अच्छा आपके कोनो बेटी का है नहीं के? आप तो इतना अच्छा फादर बानी, आई मीन हमार इतना अच्छा फेक डैड बनल रहनी, तो वो बच्ची के कितना अच्छा फादर बनब ना? बोली ना आपके कोनो बेटी का है नहीं के? हम तारा बाद में बताइब। कल जब तू तनी बड़ हो जाइबू ना तब हम बताइब के हमार बेटी का है ना बड़ी, तब बताइब के हमके कैसन बेटी चाहिए और केकरा चाहिए। आप केकरा अपन बेटी चाहे नी? प्रज्ञा कुछ तो बोला चुप का है बाड़ू? सब ठीक तो बानो प्रज्ञा? सब ठीक बा, हम चले तानी ऊ। प्रज्ञा बतावा ना का बात बा? तू बड़ हो जाइबू तब बताइब, तोरा समझ में ना आई। अब इतना तो समझ आ गए कि आपके हमरा जैसन बेटी चाहिए, बट देखब आपके कोनो बेटी होखी बिना हम ही आपके फेवरेट रहब। अच्छा यू विल ऑलवेज बी माय फेवरेट ऑलवेज। मॉम आ गईली, हमके जाए के पड़ी। आपके मन ना करत हो कि ना हमके भेजे के, पर हमके जाए के पड़ी। ओके बाय बाय। हमार बेटी होत तो क्यारा जैसन होत, कहे कि जब वो हमरा पास हो खेली तो केहू के कमी फील ही ना हो खेला। मम्मा प्रज्ञा इतहार बेटी भी आ, बिल्कुल अपन पापा पे गहिल भी आई है। जी ये हमार बेटी बाड़ी, एकर पापा मिस्टर किंग सिंह बाड़न। 7 साल पहले हमार शादी भइल, हम जल्दी में बनी चले तनी क्यारा चला। प्रज्ञा प्रज्ञा सुना तब चल अब चुपचाप, एक केक खाए में इतना टाइम लगेला तो के। अरे मम्मा हमके बस केहू से मिले के कुछ नहीं के मिले के, केहू से नहीं के मिले के। सुबह से कुछ ठीक से खालू ना, लंच के टाइम हो रहा बा, जल्दी चलो घर चलो चलो। मम्मा आपके भी पता बा आप हमरे साथ जबरदस्ती करत बानी, और आपके भी पता बा हमके बेवकूफ बनावत रहले। हम कहले रही ना, मना कहले रही ना के स्ट्रेंजर से बात करे खातिर। हम स्ट्रेंजर से बात ना करत रहनी, हम सुपरमैन से बात करत रहनी, और हम आपके भी अपन सुपरमैन से मिलावल चाहत रहनी। हेलो पहचान ला ना? हम आपके घर, हमारा एनजीओ बा, हम पीड़ित औरतन खातिर लड़े नी। अरे हम ही तो हक दिलवावले रहनी प्रज्ञा के। सॉरी मैडम अभी हमारा मूड खराब बा, बाद में बात कर जाए। पता बा कैसने होखी ना, वो आपके साथ नहीं की। आपके कैसे पता कि प्रज्ञा हमरा साथ नहीं की? प्रज्ञा ही बतावली अभी अभी। हाँ वहाँ पे अभी डोर पे मिलल रहे ना, बतावत रहली हमके कि ओकर दूसरी शादी भइल बा
और जे बच्चा बाऊ ओकर दूसर हस्बैंड के बा आपके ना समझ सके नी लाइफ बा ऐसे नहीं हो की यार का करतड़ चोट लग जाई चाबी चाबी काहे गिरा दिलु तू जेकरा ये चाबी मिलल उहे ओकर बात सुनी अगर हमके ये चाबी मिलल तो आप हमके हमार सुपरमैन के पास ले चलब और अगर मम्मा के चाबी मिल गयला तो चुपचाप घरे चले पड़ी खाना खाए खातिर 1 2 3 गो और ई मम्मा के मिलल चाबी मतलब अब क्यारा चुपचाप जाई घर और खाना खाए के बाद मम्मा से बात करी वो लेडी से जरूर कोनो गलती भइल होखे वो केहू और के प्रज्ञा समझ ले ले हुई प्रज्ञा के बेटी अनबिलीवेबल क्यारा क्यारा हमके नहीं के खाए के क्यारा फिर से हमार बात नहीं को सुनत आप हमार बात सुन ले रहनी का केक शॉप पे फिर हम आपके बात काहे सुनी काहे की बच्चन के मम्मा के बात सुने के चाही मम्मा बच्चन के उहे बात बोलेनी जिमे बच्चन के भलाई हो खेला ऐसे आपके मम्मा के बात सुने भी चाही और माने के भी पड़ी चलो खाओ एक बात कि हमने माँ बेटी बाद में पहले हमने बेस्ट फ्रेंड बानी और बेस्ट फ्रेंड एक दूसर के सारा बात माने ले लेकिन आप तो आपने सुनावे में बिजी बानी हमेशा 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 अपन सुनावत रहनी ऐसा नहीं कि क्या रहा हम ऐसा नहीं बा हम क्या आपसे बातें नहीं के करे के कैरम कैरम प्लीज देखो खाना खाए से कैसे नाराजगी खाना खा लो बस क्या रहा आप सुबह से कुछ नहीं को खाई ले प्लीज प्लीज अच्छा बाबा आई एम सॉरी सॉरी से क्या हो जाए हमने तो केक शॉप से वापस आ गई नी ना आपके हमार सुपरमैन से मिले के चाहत रहे ये से तो माफी मांगता नहीं प्लीज माफ कर दी एक शर्त पे माफ कर अब का अगर आप हमार सुपरमैन के साथ हमार स्कूल में हमार शो देखे आए तबे हम आपके माफ कर अब चलो मंजूर बा हम आपके सुपरमैन के साथ स्कूल आए पूरा उड़के पक्का ओके चल अब खाना खा लो खिलाएं नाइस क्यारा की फेवरेट पास्ता ई एक और खा लो सच गुडकल और बताओ सो की तैयारी हो गई हम तो शो की तैयारी कर लेनी पता बा हम ब्यूटी बनब और सनी बनी बीस्ट मम्मा की पता क्या ब्यूटी बेस्ट के प्ले करे वाला बड़ी और मम्मा आपके ड्रेस भी तैयार रख ले बड़ी काहे कि मम्मा ही आपके तैयार करे वाले बड़ी ना कल मम्मा सुबह कब होके हमसे वेट नहीं के हो रहल अरे काहे का हो गई अभी तक तो हम प्ले के लेके एक्साइटेड रहनी लेकिन अब हम सुपर डुपर एक्साइटेड बानी काहे कि कल आप हमार हीरो हमार सुपरमैन हमार बेस्ट बडी से मिलब बेस्ट बडी आपके बेस्ट बडी तो आपके डैडा है ना डैडा हमार बेस्ट बडी बाड़े पर हमार सुपरमैन हमार बेस्ट ऑफ द बेस्ट बडी बाड़े वेरी वेरी क्लोज बडी बाड़े वाह तब तो उनसे मिले के ही पड़ी तो हर वेरी वेरी क्लोज बडी तो हर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बडी जरूर मिले की पड़ी उनसे हाँ उप्स आई फॉरगॉट अरे कहाँ कहाँ करे ताड़ू हम सुपरमैन के इनविटेशन भेजल भूले गई नी पता नहीं सुपरमैन के बाद जे क्या रखे इतना करीब आगल पड़े कुछ अलग ही बात हो कि उमे जे हम के कल ही पता चली जब हम उनसे मिलब अकोडो लीड मिलल पुलिस स्टेशन में की प्रज्ञा पे अटैक के करवेलेस नो लेकिन ई बात के पता लग गइल बा कि वो एक्सीडेंट ना रहल मर्डर ही रहल वी आर श्योर नाउ वो पुलिस वाला तुहार घर गइल रहे ना आइल रहे हमरा घर पे हम कनी ओकरा से के प्रज्ञा पे जे भी अटैक करवेले बना
वो शायद पुलिस के हाथ से बच जाए लेकिन हमरा हाथे से ना बची। एके हो काजाला, जब भी प्रज्ञा के नाम लेवे नहीं बहुत सीरियस हो जाला। आ सॉरी गाइस, व्हाट इज दिस यार, हम आप दोनों के बुला के हमें लेट हो गए नहीं। नेवर माइंड, काहे बुलेला? सर हमनी के कंपनी को इंटर स्कूल कंपटीशन स्पॉन्सर कर रहल बिया ब्राइट सनशाइन इंटरनेशनल में, और हम चाहत बानी कि आप दोनों वहां पर एज अ चीफ गेस्ट आई। चीफ गेस्ट? हां सर, वहां जॉन भी बच्चा विनर होकी आप ही ओकरा ट्रॉफी देब। कब? सर कल। का नाम बतेला तो स्कूल के? ब्राइट सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। का इत्तेफाक बा? एक्चुअली कल हम ओइजे जात बानी के ओ बा जे हमरा करीब बा वो हमके ओइजे इनवाइट कर ले रहे। आई हैव टू बी देयर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल हम ना आ पाई, हमरा कोनो लीगल वर्क खातिर दिल्ली छोड़ के बाहर जाए के बा। सर प्लीज, ये कंपनी खातिर बहुत इंपॉर्टेंट बा। एंड दिस इज हाई थ्रो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। सर लीगल मैटर हम हैंडल कर ले, बट ये स्कूल कॉम्पिटिशन हम डिले नहीं करा सकते। अगर तू एकरा हैंडल कर सकेला तो आई विल विल द स्कूल। कूल सर, एक और बात, क्योंकि स्कूल फंक्शन बा यहाँ पर सारा पेरेंट्स ही है, तो आप लोग भी प्लीज अपन वाइफ के साथ आए। ओ या श्योर। डैडा आप हमारे स्कूल फंक्शन में मम्मी के साथ आई है ना? प्रिंसेस हम ना आ पाई। अभिषेक या कल हम तोहके बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान से मिलाई, हमरे लाइफ में बहुत ही स्पेशल, एंड इट इज नॉट प्रज्ञा। आप कल पक्का स्कूल आई ना? आई। प्रॉमिस करी? प्रॉमिस। पक्का वाला? डैडी प्रॉमिस। एक्चुअली कल हम भी तरह के उसे मिलवाई, समोन इज वेरी वेरी स्पेशल, और ऊपर क्या नहीं की। नाइस, तो फिर कल स्कूल में मिलल जाए। अच्छा, सी यू। हमरा तो एकर बात कंफ्यूज करेला, ये कहेला कुछ और करेला कुछ। अरे ये बच्चा हमारी बात ही नहीं सुन। हम आप लोगन के खा जाई। पहले नाश्ता खा ले फिर हम के खा ली। अरे आप लोग हंस रहल बानी, हमने के डरे के बा ये बीस्ट बनल बा। ये बीस्ट का हो खेला? हाँ दादी, बीस्ट मतलब जंगली जानवर। एकर स्कूल में फंक्शन बना सनी के, तई बीस्ट बनल बा वही जा। अरे बनावे के रहे तो किशन भगवान बनाते, ई राक्षस बनावे के का जरूरत रहे? हाँ ना, हम बीस्ट ही बनब। अच्छा अब स्कूल में जाके बिस्ट बनिया, यहाँ केहू न डराता, सब हंसत बढ़े। मम्मा आपका ही असर बानी, आप तो बोल रही कि हम असली के बिस्ट लागत आनी। हाँ तू लग रहल बाड़ा, लेकिन बिस्ट ना केहू के और के जैसन। हमके केहू के शक्ल याद दिला रहल बा। के कर दादी? हमके तई आलिया जैसन लग रहल बा, जब आलिया नाराज हो खेली ना तो ओकर शक्ल ऐसन ही हो जाला। नाना मम्मी जी एकरा ध्यान से देखी, ई तो बिल्कुल तनु के जैसन लग रहल बा। जब तनु हंसेली ना मुंह बना के तो बिल्कुल एकरे जैसन लगेली, बीस्ट के तरह। पूरब अब तू ही बता, एकर शक्ल कैसन जैसन लागेला, आलिया जैसन कि तनु जैसन? अरे पूरब तू डेरा मत, वो दोनों चुड़ैल यहाँ नहीं की, ना आलिया और ना तनु। छोड़ी ना दासी। अरे पूरब का छोड़ी, तहरा बस इतना बतावे के बा कि अपना घर में के सड़ा सा शक्ल लेके घूमेला। हमके तना आलिया ही लागेली बीस्ट जैसन। ना मम्मी जी, तनु तनु लागेली बिल्कुल। अब तू बोला पूरब। बोला ना पापा, कौन लागेला हमार जैसन? बीस्ट जैसन। आओ हमरा तो ये आलिया जैसन लगा था। और हमके तनु। चला अब ये तो पक्का हो गई, पहले तो हमके खाली लागत रहे कि दोनों चुड़ैल बिया, लेकिन अब सब लोगन के लग रहल बा कि वो दोनों चुड़ैल बिया। का हो रहल बा ईजा?